क्या आपको पता है कि भारत हर साल सिर्फ इसीलिए 1000 करोड़ों का लॉस कर रहा है क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम ज़ोन्स नहीं है। मगर कैसे, स्क्रीन पर डबल टैप करो और चलो जानते हैं। दरअसल लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से दुनिया के अलग अलग हिस्सों को टाइम ज़ोन्स में डिवाइड किया जाता है ताकि वहाँ पर प्रॉपर सनराइज और सनसेट के अनुसार वर्किंग आवर्स और अदर ऑपरेशंस को फिक्स किया जा सके। अब देखो, भारत के साथ दिक्कत यह है कि वेस्टर्न मोस्ट पार्ट से ईस्टर्न मोस्ट पार्ट तक भारत की लेंथ करीब 3000 किलोमीटर के बराबर है, जिस वजह से भारत के इन दोनों हिस्सों के सनराइज और सनसेट टाइम जोन में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को इंडिया के मिड के कोऑर्डिनेट्स पर 5:30 पे सेट कर दिया गया। लेकिन देखो, अभी भी इससे दोनों रीजन्स के बीच 1 घंटे का डिफरेंस बाकी रह जाता है, जो इन दोनों एरियाज की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता ही है। और इसी अनइवन टाइमिंग के कारण ईस्ट के लोगों को अर्ली सनराइज का एडवांटेज नहीं मिल पाता और उनकी प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है।